सहे गाइस न्यूज़ ब्रदर्स, तो फटाफट बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। मुनव्वर फारूकी जो कि एक स्पैम के लिए उन्होंने बिल्कुल भी अपनी स्टोरी पे एक वीडियो अपलोड किया है, वो क्या कहते हैं एक बार जरूर से सुनिए। सो हाय दोस्तों, ये स्पैम अकाउंट है, जाके फॉलो करो। पता नहीं क्या करना है स्पैम अकाउंट में मुझे जाके, बट मैंने बस डाल दिया है। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं डाल सकता, तो स्पैम अकाउंट पे डालूंगा, तो जाओ फॉलो कर लो। इतने सारे फॉलोअर हो जाने चाहिए ना, नहीं रे जाओ अरे करो। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यूके 07 राइडर के बारे में। यूके 07 राइडर मिलते हैं बिल्कुल भी खानजादी से, और खानजादी से बातें कई सारी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो बिल्कुल भी एक वादा भी करते हैं लोगों से। यूके 07 राइडर बोलते हैं कि अनुजादी करके अगर कई सारे लोग कॉमेंट करते हैं तो इस पे एक गाना बिल्कुल भी लॉन्च करने वाले हैं। वो क्या कहते हैं एक बार जरूर से सुनिए। अगर लोग कॉमेंट करेंगे अनुजादी We want a song together. 30,000 comment होते ही हम लोग ये गाना ड्रॉप करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं साहिल खान के बारे में, और साहिल खान को कई सारे लोग मैसेज करते रहते हैं कि भाई भाभी का फेस रिवील कब दिखा रहे हो, जो कि ये चीज बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते रहते हैं। और कई सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि भाई आप कहाँ कहाँ रहते हो, तो वो सारी चीजों के बारे में जानकारी वगैरह देते रहते हैं, जो कि इंडिया से ज्यादातर बाहर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई भाभी का फेस रिवील कब कर रहे हो, हालांकि उन्होंने अब तक रिवील नहीं किया है, और कई सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं एक बार जरूर से सुनिए। थैंक यू अनस, अगर आपको आप चाहते हैं कि मैं फेस रिवील करूं तो कर देता हूं। चलिए, बहुत लोगों ने बोल दिया और इतने ईमेल्स आ गए, चलिए ठीक है, आपके लिए कर देता हूं। 14 फरवरी को करता हूं, अगर आप चाहते हैं तो, सिर्फ आपके लिए 14 फरवरी को फेस रिवील कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और अब हम लोग स्नैपचैट पे भी आ गए हैं। एंजॉय दिस। तो भाई आगे आने वाले समय में यानी 14 फरवरी के आसपास ये चीजें देखने को मिल सकती है, तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रविंद्र जडेजा के बारे में, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, जो कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी है। लेकिन हालिया उनके फादर के एक इंटरव्यू जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि उनके फादर का नाम अनिरुद्ध सिंह है, और वो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे उनकी जो वीडियो है जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल भी रहा है और काफी सारे लोगों ने अब तक देख लिया होगा। होता क्या है कि उस इंटरव्यू में वो बोलते हैं उनके बेटे और बहुत से बिल्कुल भी उनका कोई खास ताल्लुक नहीं है, यानी कि उनके बेटे रविंद्र जडेजा और उनकी जो बहू है रिवाबा, जो कि उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, और इस वक्त वो चीजें बहुत ही ज्यादा वायरल भी रही है। तो काफी सारे लोग को इसकी रियलिटी नहीं पता होगा कि आखिर वो क्यों अलग हो चुके हैं उनसे, अपने बेटे बहू के साथ बिल्कुल भी नहीं रहते। लेकिन होता क्या है कि उनके फादर एक ही बात बोलते हैं कि जो बहू आई हुई है वो बिल्कुल भी ऐसे कई सारी काम करती हैं, वाकई में वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कि उनके बिहेवियर हो गया या फिर जादू टोना जैसी कोई बात भी बोली है, जो कि ये कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे शो कर रही होगी स्क्रीन पे, उसे आप रीड कर सकते हो, जो कि रियलिटी आप सभी को पता चल जाएगा। और होना क्या था, इस चीज को देखते हुए कई सारे यूजर्स जो कि ट्रोल करना शुरू कर दिए, तो कई लोगों ने कहा कि ये चीजें वाकई में नहीं होना चाहिए। ट्रोलिंग वाली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से काफी सारे लोग ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ऑरा के बारे में। ऑरा जो कि बिग बॉस में देखने को मिला था, ऑरा जो कि कोरियन बंदा है, ठीक है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी इंडिया में ही है। लेकिन ऑरा बिल्कुल भी एनआरआई का बिल्कुल भी एक बेल्ट पहन के आता है, जो कि सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई सारे लोग उनको ट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एनआरआई के बिल्कुल भी विनर हैं, इसके लिए वो बिल्कुल भी वो पट्टे पहने हुए हैं, और वो चीजें देखने को मिली कई सारे लोगों को। और इसी चीज को देखते हुए कुछ ही समय पहले बिल्कुल भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एनआरआई बिग बॉस 17 विनर ऐसा कुछ लिखा हुआ था, और वही चीज बिल्कुल भी ये चीजें रोस्ट में बिल्कुल भी बदल गई। मुनव्वर फारूकी कुछ ही समय पहले लाइव आने वाले थे, जो कि कई सारे लोग को बता दिया था अपनी स्टोरी के द्वारा, ठीक है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी मुनव्वर फारूकी ने ये चीजें बोलते हुए काफी ज्यादा रोस्ट भी किया था, और बिग बॉस का भी नाम लिया था कि बिग बॉस वो बिल्कुल भी एनआरआई का बिल्कुल भी विनर घोषित किया गया है। इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ बात करते हैं हल्द्वानी के बारे में, जो कि हल्द्वानी में ऐसे कई सारे अटैक देखने को मिल रहे हैं इस वक्त, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल है। तो होता क्या है कि हल्द्वानी में कुछ ही समय से पहले आप सभी को ये न्यूज देखने को मिल रही होगी कि वहां पे बिल्कुल भी मस्जिद हो, मदरसा हो, कुछ चीजें ऐसी है जो कि अवैध तरीके से बिल्कुल भी वहां पे बनाया गया है, और उस चीज को सरकार बिल्कुल भी तोड़ना चाहती है, ठीक है। लेकिन ये चीजें सुनते हुए कई सारे लोग धरना प्रदर्शन में आ जाते हैं, जब तोड़ने आते तो कई सारे मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं,
और वहां पे कई सारे ऐसे झगड़े देखने को मिलते हैं, मतलब पत्थरबाजी होने लगते हैं, वहीं पे पुलिस पे करते हैं तो वहां की पुलिस कभी उन पे करते हैं। तो ये चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पे जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल है, और कई सारे लोग को ये चीजें पता होना चाहिए। पत्थर दोनों तरफ से इस वक्त चल रही है, हालांकि एक तरफ से ही चली होगी और दोनों तरफ से भी चलने को मिल रही है, लेकिन ये चीजें तो तब तो समझ में आता है। लेकिन ये चीज अभी न्यूज में देखने को मिल रही है कि लगभग 25-30 मुस्लिम्स के ऊपर बिल्कुल भी हैक कर दिया गया है, जो कि इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जो कि कई सारे मतलब ऐसे चीजें सुनने को मिल रही है कि एक चचा और भतीजा के बताई जाती है। और वहीं पे बिल्कुल भी लल्लन टॉप न्यूज वाले पहुंचते हैं तो वहां पे बातें करते हैं एक बंदे से, लेकिन उस बंदे का भाई रहता है और उनके चचा रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनसे जब बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है आपके यहाँ, आपके साथ क्या कुछ हुआ है, तो वो बताते हैं कि हमारे चचा थे, हमारे भाई थे, जो कि वो रास्ते से जा रहे थे और सामने से लग गई, जो कि कई सारे लोगों की वहां डेथ हो चुकी है, लगभग 25-30 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं, जो कि इस चीज में बताया गया है, नजर आ रही है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में, और राहुल गांधी इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। होता है क्या है कि राहुल गांधी की जो जन्मतिथि है वो 1970, और वहीं पे बात करते हैं सोनिया गांधी के बारे में, तो सोनिया गांधी ने बिल्कुल भी नागरिकता ली बिल्कुल भी 1983 में, जो कि इस पे जांच पड़ताल करने के लिए कई सारे लोग बिल्कुल भी कह रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के इस पे देखने को मिल सकता है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दिल्ली के नजफगढ़ एरिया के बारे में, जो कि वहां पे एक सैलून हुआ करता था, लेकिन उस सैलून के दौरान उसमें दो लोग बिल्कुल भी आ जाते हैं और बिल्कुल भी दो लोगों को बिल्कुल भी गोवा के हत्या देते हैं, जो कि ये चीज सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा देखा जा चुका है। और इस चीज को देखते हुए कई सारे लोग वहां पे पहुंचते हैं, तो वहां पे बिल्कुल भी मोनू और मनीष जो कि बहुत ही ज्यादा घायल देखने को मिलते हैं और करीबी से उसे मारा जाता है, और जब हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो हॉस्पिटल में जाते जाते बिल्कुल भी उन लोगों की बिल्कुल भी धो चुकी होती है। और इस चीज को देखते हुए पुलिस बिल्कुल भी उन चीज पे छानबीन करती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में नजर आ जाते हैं और इस चीज पे पुलिस बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो इस चीज को देखते हुए कई सारे लोग वहां पे दहशत में आ गए हैं और काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि यहां पे बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है, जो कि ऐसी घटनाएं वहां पे घटी है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है, लेकिन कई सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।